मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह में उत्पन्न हुई स्थिति पर की बैठक। नूह में जो कुछ भी घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना का पता लगते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासन को तुरंत भेजा गया। एक सामाजिक यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण किया, पुलिस को भी निशाना बनाया गया। सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्ण तरीके से यात्रा को भंग किया गया, जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। पुलिस पर भी आक्रमण किया और उस यात्रा को भंग करने का प्रयास किया। गाड़ियों को आग लगाई गई और आगजनी की घटना कुछ स्थानों पर सामने आई। फिलहाल नूह समेत सभी जगह स्थिति सामान्य है। अभी तक कई FIR दर्ज की गई हैं। कुल 70 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। कुल 5 लोग, 2 पुलिस, 3 सिविल लाइन्स की मौत की अभी तक सूचना। नूह से बाहर के लोग जो इस घटना में शामिल थे, उनकी पहचान की जा रही है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की कि शांति बहाली के लिए आगे आए। देखिए, कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा, तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएँ जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है, सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को, चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूँ कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।